अश्विन तू सर फैमिली के साथ आए हो? नहीं अकेला आया हूँ। अकेले हो तुम? आइसक्रीम तो दो पकड़े हो। बोले तो आपके लिए। थैंक यू। यहाँ क्या हुआ? अरे अच्छा, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी वाइफ कहाँ गई? शॉपिंग करने गई है। किसके साथ गई? किसी के साथ काय को जाएगी, अकेली है। अर्जुन क्या हुआ तुम्हें? वहाँ अंडरवेयर के साथ बनियान फ्री है, वो देख के आता हूँ। बाथरूम खाली कर लीजिए। बाथरूम नहीं, एकदम चुप रहना तू। इस वक्त बहुत क्रोध में हूँ, नौटंकी मत करना। आने दे उसे, उसे मार के उसकी फोटो पे हार चढ़ाऊंगा मैं। वो तो घर पे ही है, अपने बेडरूम में सोया है। बेडरूम में सोया है? हाँ। 5 मिनट पहले मॉल में मिला था। अर्जुन अर्जुन अब क्या हुआ पापा, जरा शांति से सोने दीजिए ना। हमारी शांति हराम करके अपना शांति के साथ सो रहे हो? बताओ आधे घंटे पहले कहाँ थे तुम? गहरी नींद में था। गहरी नींद में नहीं, ऐसे मटक मटक के मस्ती कर रहे थे तुम ऊपर वाली के साथ। अरे राम राम। राम राम नहीं, ऊपर वाली के साथ रासलीला कर रहे थे। फ्रेंड की बाइक ले सकते हो, फ्रेंड का कार्ड ले सकते हो, लेकिन फ्रेंड की वाइफ? पापा न्यूज चैनल की तरह अफवाहें फैलाकर उस मासूम अबला लड़की को बदनाम मत कीजिए। मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा है। आपको मोती आ गया है पापा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। ये सही कह रहे हैं, वो बहुत अच्छी लड़की है। मुझ पर शक करो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड की वाइफ पर अगर उंगली उठाओगे तो इट्स नॉट फेयर। 2 दिन मुझसे बात मत करना। अबे मेरी बात। पापा यस आओ। आज काफी थकी हुई लग रही हो, कहाँ गई थी? शॉपिंग के लिए। सही जवाब। कौन से शॉपिंग मॉल? मंजीरा मॉल। ये भी सही जवाब। किसके साथ गई थी? अपने हस्बैंड के साथ। ये बिल्कुल गलत जवाब। रॉन्ग आंसर कैसे हुआ? मैं आपको सफाई की दूं? हे, गई होगी इसी निकम्मे के साथ अपने हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड लेकर। डैड आर यू मैड? एक लड़की पर इल्जाम लगा रहे, आपको ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। अपनी बर्बादी पे सीटी बजा रहा है। कह रहे वकीलो, कोर्ट बंद है या कोर्ट फट गया? औरतों की तरह गॉसिप क्यों कर रहे हो? हमारी गॉसिप के हॉट टॉपिक हो तुम। ऐसा क्या? अपनी बीवी के बारे में क्या राय है तुम्हारी? वो तो खरा सोना है सर। और मेरे बेटे के बारे में? वो फ्रेंड तो हीरा हीरा। फ्रेंड नहीं है, फ्रॉड है, फ्रॉड। क्या क्या हुआ क्या? मेरा बेटा तुम्हारी पत्नी। किराए में डिस्काउंट देके बजट के बाहर का इल्जाम लगा रहे हैं? मेरी बीवी है वो। थोड़ी देर पहले तुमसे शॉपिंग मॉल में मिला था तो तुमने कहा था तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारे साथ है। हाँ तो शॉपिंग के बाद तुम दोनों साथ साथ क्यों नहीं निकले? अलग अलग जाने का क्या लॉजिक है? कौन बोला अलग निकले? ठीक है तो फिर साथ में घर क्यों नहीं पहुँचे? अलग अलग आने का क्या लॉजिक? अबे ये घर है सेशन कोर्ट। एक मकान मालिक और भाड़ोत्री के बीच का रिश्ता मछली और पानी जैसा होना चाहिए। मछली और मछुआरे जैसा बिल्कुल नहीं। क्या? अगर कोई बात बुरी लग गई हो तो भूल चुक माफ कर देना, और अगर नहीं कर सकते तो हमारा सामान बाहर फेंकवा दो, चले जाएंगे यहाँ से। क्या? मिस्टर रवि कुमार सुन, तुम्हारे पापा कितने बजे सोते हैं बता दो, उसके बाद ही घर में आऊंगा। ब्लडी कंफ्यूज पीपल। कंफ्यूज कहाँ में? मुझे कंफ्यूज समझ रहा है, असल में इन सब की बत्ती फ्यूज हो चुकी है। सौंदर्या एकदम तुम्हारी छोटी बहन लगती है, क्या मैं गलत सोचता हूँ? तो पकड़े जाने वाले थे, बाल बाल बच गए। आज अपनी कहानी का दी एंड हो जाता। तेरा बाप कितने सवाल पूछता है, इतने सवाल तो इमिग्रेशन वाले भी नहीं पूछते। आज से एक्स्ट्रा अलर्ट रहना होगा, जरा संभाल के उतरना। ठीक है। अरे क्या डर गया, बस इसी की कमी थी। अरे मम्मी मरी क्यों? इसका सीआईडी बाप आ रहा होगा, क्या करूं? उखाड़ देता हूं।
सुना था कि रात को उल्लू निकलते हैं, ये सीढ़ियां भी इवनिंग वॉक पर निकलती है, पहली बार देखा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, सीढ़ी पर चढ़ के रहूंगा, मिस्ट्री सॉल्व करके रहूंगा। इस उम्र में सीढ़ी नहीं चढ़नी चाहिए। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है बेटा, क्योंकि केस सॉल्व करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। बूढ़ा बंदर सीढ़ी चढ़ना नहीं भूलता। बादाम खाने लगा है क्या? माँ को तो बुरा लगेगा ही, लेकिन ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। माँ क्यों बुरा मानने लगेगी? पहले बोला कि शक्ल मिलती है, अब उसके साथ टांका भिड़ा रहे। चुप, चप्पल फेंक के मारूंगा, नीचे उतर। आज तक बाप की इज्जत करना नहीं सीखा, जरा भी लिहाज शर्म नहीं। सारा माजरा समझ में आ गया, मुझे जल्दी सोने का कह के खुद यहाँ चले आते हैं ये। अरे मुझ पर मत भड़को, सीढ़ी पर पापा चढ़ रहे हैं। मेरा नाम लगाता है उल्लू, यहाँ किसी ने सीढ़ी रख दी थी, वही पता लगाने आया था। बाप परिशक करता है गधा कहीं का। तो सफेद बालों को काला करना आप छोड़ दीजिए ना। पापा जी कल कोर्ट जाना है, चलिए सो जाइए। छी छी, तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल बन गई है, 99 पर पहुंचा नहीं कि सांप निकल जाता है। और इस सबसे ज्यादा टेंशन तो इस बात की है कि जिस दिन नीलू को पता चलेगा कि मैं अनाथ नहीं हूँ, उस दिन क्या होगा। अरे टेंशन मत ले यार, भगवान ना बहुत बिजी रहता है, इसलिए तो उसने दोस्त बनाए हैं। देख प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, परिवार को लेके नीलू के दिमाग में जो नेगेटिव सोच है उसे बदल डाल, घर वालों के करीब ले आ, दिवाली का मौका है, फोड़ दे बॉम्ब। क्यों दोस्त, तो तुम दिवाली नहीं मनाते? अरे तेरे पास फैमिली है, अपने आगे पीछे कोई नहीं। बेवकूफ वाली बात कर दी ना, हम लोग नहीं दिखाई दे रहे क्या? ए रवि, ठीक से चक्री चलाइए ना। जाओ ने लक्ष्मी को ले आओ जरा। ले आता हूँ, तुम भी आओ। अरे ये क्या है? सारी दुनिया वहाँ दिवाली मना रही है और तुम मोबाइल में गेम खेल रही हो। नहीं मैं यही ठीक हूँ, हमारे साथ चल के पटाखे चलाओ ना। इसे छोड़ो, चलो आओ हमारे साथ। अरे पापा जी, ये इतनी बड़ी होके भी पटाखों से डरती है। डरने की कौन सी बात है, हम सब है ना। डर मत, खड़े हो खड़े हो। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे, हाथ जला दिया, मामूली से जला है। क्या हो गया? ए जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ फौरन। जरा देखो जले पर क्या लगाना चाहिए। लो, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। दीजिए। बस बस हो गया, एकदम मामूली सा जला है, अभी ठीक हो जाएगा। ज्यादा नहीं लगी है, घबराओ मत। बस अब ये ठीक हो जाएगा। ओके। अरे छोटी बच्ची की तरह रो रही है ये तो। आप सब लोग सच में बहुत अच्छे हैं। मेरी बहू ने मुझे बताया तुम्हें फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए तुमने एक अनाथ से शादी की। ये आजकल के जमाने की लड़कियां अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाना चाहती है। मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, सिर्फ वही लोग उनकी फैमिली होते हैं। लेकिन जब लाइफ में कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो फैमिली की इंपॉर्टेंस पता लगती है। अपनी फैमिली हो तो ठीक है, परंतु जॉइंट फैमिली हो तो लाइफ के माने बदल जाते हैं। चलो सब मिलकर खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। फोन किया, नो रिप्लाई। एसएमएस किया, नो रिप्लाई। नो व्हाट्सएप, व्हाट हैपेंड? मेरी प्रॉब्लम तो शेयर करने लायक भी नहीं है, तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। भैया मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तुम रिजेक्ट कर दोगी? मैं क्यों रिजेक्ट करूंगी, लवर से शादी करने का थ्रिल अब खत्म हो चुका है, अब अरेंज्ड मैरिज का ट्रेंड चल रहा है। ए, 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 ए। नारी शक्ति का दुरुपयोग मत कर। तो पहले जाकर मेरे भैया से बात करो। मेरा बाप तो मानने वाला नहीं है। पापा, तेरे इस प्यार में बटरिंग की बुआ आ रही है। आपसे शादी की बात करनी है। शादी? हाँ। अरे पूरे भारत देश में कोई ऐसा बाप नहीं होगा जो तुझे अपनी बेटी देगा। तू चाइना शिफ्ट हो जा, कोई सस्ती वाली चाइनीज कॉपी मिल जाएगी। पापा ट्विटर पर फॉरेनर फॉलो करते हैं मुझे। और एक इंडियन लड़की मुझ पे लट्टू है। हे भगवान, जरूर वो अंधी होगी या पागल जो तुझसे प्यार करती है। देखिए
आपको मेरे साथ चल के उसके पापा से बात करनी है। अरे अकल के दुश्मन, अगर लड़की के बाप ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा बेटा करता क्या है, कमाता कितना है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे तुझे ऑनलाइन में सेल लगा कर बेचूं, अमिताभ से तेरा ऐड करवाऊं, तो भी तुझे खरीदने वाला कोई नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी लड़की की लाइफ खराब नहीं होने दूंगा। पहले अपने दम पर एक कांस्टेबल की नौकरी तो कर ले, फिर शादी के लिए छोकरी मैं ले आऊंगा। पापा क्या है? चलो चैलेंज, बारात लेके जाऊंगा, घोड़ी पे बैठ के धूमधाम से शादी करूंगा, पूरे शहर को शादी में इनवाइट करूंगा सिवाय आपके। तथास्तु। ये किसका घर है? एकदम झकास है। आज मेरे साले का है, कल मेरा होगा। यहाँ मेरा क्या काम है? देख यार, तू मेरा दोस्त ही नहीं है, तू मेरे लिए भाई से बढ़ के, तेरा आशीर्वाद चाहिए। बोल देगा ना? तेरे लिए जान हाजिर है, उतर। ये क्या? मेरा साला तेरे ससुर के डोरमैट पे क्या कर रहा है? वो हमारा जानी दुश्मन है, उसके खानदान तक को खत्म कर देंगे भैया। भाई आपकी बहन का हाथ मांगने आया है। बहन से इस नमूने के बारे में जान चुका हूँ, मेरी बहन पर बुरी नजर उठाने वाला दुनिया से उठ जाता है। इसीलिए तो चश्मा पहन के आया हूँ सर। दूल्हा मैं हूँ। तेरी कोई फैमिली है कि नहीं? आपको क्या पसंद है सर, फैमिली वाला या अनाथ? अनाथ का अचार डालेंगे, एक अच्छा खानदान चाहिए। अच्छा क्या, एक्स्ट्रा लार्ज अच्छा खानदान है। फैमिली ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलने वाला था, पर पड़ोस की शाह फैमिली जीत गई। प्रॉपर्टी वॉपर्टी है कि नहीं? शक्ल से क्या लगता है सर? देखने में तो करोड़पति लगता है। तेरा बाप 15 सालों से कोर्ट नहीं खरीद पाया, तेरी शादी की फिल्म रिलीज से पहले फ्लॉप है। शॉपिंग के लिए आप चाइना मार्केट जाते होंगे, हम डायरेक्ट चाइना जाते हैं। सबूत देख लीजिए, चाइना का फोन, हमारे पास दुनिया की हर करेंसी है। अगर तेरे बंगलों में 2 मंजिल है तो नहीं चलेगा, 3 मंजिल तो कम से कम चाहिए। ये खिसका हुआ लगता, 2 उंगली दिखा के 3 बोल रहा है। उंगली छोड़, औकात देख, तेरे बाप के सरकारी क्वार्टर में 2 कमरे भी नहीं है, तेरी लव स्टोरी तो पिट गई। हमारा बंगला 5 माले का है, 5। मेरी बहन कॉलेज मर्सिडीज से जाती है, ऑडी से वापस आती है। 10 किक में स्टार्ट होने वाली खटारा बाइक है तेरे पास, तेरे प्यार का तो अंतिम संस्कार हो गया। अब से वो जाएगी फरारी में और वापस आएगी रोल्स रॉयस में। अरे रईसी का सवाल है। क्या बात है सुप्रिया, सुना तुमने, मुझसे कितनी लकी है। तेरे बाप का नाम क्या है? नारायण, नामचीन करोड़पति वकील। ठीक है, कल तेरे बाप से मिलने आऊंगा।